जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हो रहे कड़े मुकाबले में हमें देखने को मिला किस प्रकार से इंडिया 365 पर ऑल आउट हो चुका है अपनी फर्स्ट इनिंग में, जहां इंग्लैंड ने पहले इनिंग में 205 ऑल आउट हो गए थे तब, लेकिन अब इंडिया ने काफ़ी अच्छी बढ़त बना ली है। लेकिन एक बुरी खबर ये है दोस्तों कि महज 4 रन से रह गए वॉशिंगटन सुंदर अपनी शतकीय पारी से। आप सभी को बताते दोस्तों, जब वॉशिंगटन सुंदर के पास पिछला भी एक ऐसा मौका बना था कि इनके पास शतकीय पारी खेलने का मौका था, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट खो दी थी, जिसकी वजह से इनके पिता काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने साफ कहा था कि ये शतक लगाने वाला लड़का है, लेकिन ये चूक गया। लेकिन आज के मुकाबले में देखा जाए दोस्तों तो वॉशिंगटन सुंदर की कोई गलती नहीं, लेकिन सामने किसी ने साथ नहीं दिया। जहां अक्षर पटेल अच्छा खेल रहे थे लेकिन रन आउट हो गया, थोड़ी गड़बड़ी के चलते बेस्ट ओवर रूट का अच्छा रन आउट था, लेकिन अक्षर पटेल को जाना पड़ा वापसी। जब दूसरी बारी आई ईशांत शर्मा की तो दोस्तों ईशांत शर्मा को बॉलर बेन स्टोक ने बहुत जल्दी यानी कि पहले ही गेंद पर आउट करते हुए चलता किया। उसी के साथ दोस्तों उम्मीद थी कि मोहम्मद सिराज वॉशिंगटन सुंदर का सेंचुरी करने में मदद करेंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज से भी उम्मीद जाया गई क्योंकि वो 3 गेंदों का ही सामना कर सके और 0 पर आउट हो गए। बता दें दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने साथ दिया था रविचंद्रन अश्विन का। आपने देखा होगा जब अश्विन ने हाल ही में सेंचुरी जड़ी थी तो दूसरे छोर पर मोहम्मद सिराज ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, वहां पर सिर्फ टिक के खड़ा होना था। तो आज ही कुछ ऐसा करना था कि दूसरे छोर पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर को स्ट्राइक देनी थी, लेकिन ये नहीं कर पाए काम। लेकिन कह सकते हैं दोस्तों कि वॉशिंगटन सुंदर ने जो पारी खेली है उससे इनको आने वाले समय में काफ़ी और मौके मिलेंगे, तो इस बल्लेबाज को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अभी तो इसके करियर की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर की इस बेहतरीन पारी के लिए सभी फैंस काफ़ी इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इंडिया टीम को लीड मिल चुकी है 160 रनों की। बता दें दोस्तों कि तीसरा दिन चल रहा है, तीसरे दिन की शुरुआत हुई थी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी के साथ। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर दोनों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ देखने को मिला कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। टिक्के तो खेले, लेकिन टिक्के खेलने के साथ साथ उन्होंने चौके छक्के से ही बात करी। लेकिन दोस्तों कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैन स्टोक काफ़ी घातक साबित हुए। जहां अभी तक सारी आशंकाएं और सारी चर्चाएं हो रही थी मैदान की पिच को लेकर कि यहां पर स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिल रही है, बल्लेबाजों के हक में कुछ भी नहीं है, तो जरा ये दूसरा तीसरा दिन उठा के देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दूसरे दिन पर आया ऋषभ पंत के बल्ले से शानदार शतक, तो वहीं तीसरे दिन अब शतक से महज 4 रन दूर रह गए वॉशिंगटन सुंदर। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरफ कि स्पिनर को क्या मदद मिली, कह सकते हैं कि मदद के साथ साथ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला तेज गेंदबाजों को, क्योंकि जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक ने दोनों ने ही मिलकर 7 विकेट झटके, जहां पर जेम्स एंडरसन के नाम 3 विकेट रही तो बेन स्टोक ने अपने आखिरी के ओवर में जो अभी करा ही रहे थे उसमें 2 विकेट ली थी, जहां पर पहले ईशांत शर्मा फिर दूसरे नंबर पे मोहम्मद सिराज दोनों को 0-0 पर आउट कर दिया। ऐसे करते हुए उन्होंने 27 ओवर कराते हुए 4 गेंद पर ही जहां पर उन्होंने 6 मैडन ओवर डाले और 89 रन दिए और 4 विकेट ले ली। जैक लीच के नाम महज 2 विकेट रही। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया की तरफ से तो रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि अगली इनिंग में जब इंग्लैंड सामने आए तो 160 रन की जो लीड है उसको ही ना कवर करने दिया जाए, क्योंकि पिछले मुकाबले देखे जाए दोस्तों तो 200 रन के आसपास ही इंग्लैंड पहुंचती है और ढेर हो जाती है, क्योंकि अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन अपना काम कर देते हैं। इसी के साथ उम्मीद यही रहेगी दोस्तों आज के मुकाबले में भी कि कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाएंगे पूरे दिन रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल। लेकिन काबिले तारीफ वाली बात है दोस्तों कि किस प्रकार से अक्षर पटेल ने भी अच्छी पारी खेली, क्योंकि अक्षर पटेल गेंद से भी अपना कमाल दिखा रहे हैं और बल्ले से भी, जहां पर गलती हो गई दोस्तों कह सकते हैं रनआउट की, लेकिन 43 रन इन्होंने ही बनाए 97 गेंदों का सामना करते हुए। 43 रन काफ़ी अच्छी पारी है क्योंकि दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो मौका वॉशिंगटन सुंदर को दे रहे थे और रनआउट ही हुए अक्षर पटेल। अब 174 गेंदों पर 96 रन की पारी और नाबाद रहे वॉशिंगटन सुंदर 10 चौके 1 छक्के की मदद से। आपको दोस्तों बता दें पूरा स्कोर कार्ड क्या है इंडिया की बल्लेबाजी का, तो शुभमन गिल पहले बल्लेबाजी करने आए, रोहित शर्मा के साथ 3 गेंदों पर 0 रन बनाया था शुभमन गिल ने, जेम्स एंडरसन ने शुभमन गिल की विकेट ली। रोहित शर्मा 1 रन से दूर रह गए जहां पर 144 गेंदों पर 49 रन बनाए और बॉलर बेन स्टोक ने LBW आउट करते हुए रोहित शर्मा को अर्धशतक पारी नहीं खेलने दी। चितेश्वर पुजारा आए बल्लेबाजी करने के लिए, उम्मीद थी इनसे कि बड़ी पारी खेलेंगे जैसे बाकी बल्लेबाज खेले, लेकिन 66 गेंदों पर 17 रन का सामना करते हुए चितेश्वर पुजारा के विकेट जैक लीच ने LBW के जरिए ली। विराट कोहली की क्या ही बात करें दोस्तों, क्योंकि 8 गेंदों पर 0 रन यानी बिना खाता खोले बॉलर बेन स्टोक ने अपना बदला ले लिया। कह सकते हैं जो तूतू मैम हुई थी मैदान पर कोहली और बेन स्टोक के बीच, शायद उसी का बदला ले रहे हैं बेन स्टोक अब, लेकिन अब विराट कोहली की विकेट ले ली थी। तो उसके बाद अजिंक्य रहाणे आए, अजिंक्य रहाणे थोड़ी अच्छी पारी खेल रहे थे, अपने आप को जगह बना रहे थे, लेकिन इनके बल्ले से लंबी पारी नहीं आई है।
छोटी छोटी पारियां तो बहुत देखने को मिली है, लेकिन टीम इंडिया को जरूरत है लंबी पारियों की, शतकीय पारी की, जहां पर सिर्फ इनके बल्ले से 45 गेंदों में 27 रन की पारी आई और बॉलर जेम्स एंडरसन ने अच्छी बॉल कराते हुए कैच पकड़ी स्टोक्स ने, तो अजिंक्य रहाणे आउट हो गए। ऋषभ पंत इंग्लैंड वर्सेज इंडिया के दूसरे दिन में 118 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन की पारी ताबड़तोड़ तरीके से खेले, जहां पर इस पारी की तारीफ वीरेंद्र सहवाग से लेके एडम गिलक्रिस्ट और पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने भी की, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से रिवर्स स्वीप और अन्य शॉट इन्होंने खेले टेस्ट क्रिकेट में, सचमुच काबिले तारीफ वाली बात है। इसी के साथ दोस्तों रविचंद्रन अश्विन आए मैदान पर, अब गेंदबाजी से कमाल कर ही रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद बढ़ जाती है कि बल्ले से भी कमाल करेंगे, क्योंकि कर चुके हैं। तो 32 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए और जैक लीच ने इनकी विकेट ले ली, कैच पकड़ी थी ओली पॉप ने। अब वॉशिंगटन सुंदर, दोस्तों ये नाम जहन में आते ही एक बार फिर से निराशा के बादल छा जाते हैं, क्योंकि इस बेचारे उभरते युवा खिलाड़ी के 4 रन रह गए सिर्फ शतकीय पारी से, लेकिन सचमुच बहुत गजब की पारी खेली, क्योंकि इंडिया को अच्छी लीड दिला दी है, जहां पर 174 गेंद का सामना करते हुए इन्होंने 96 रन बनाए 10 चौके 1 छक्के की मदद से, नाबाद हैं दोस्तों, लेकिन अब सामने कोई नहीं टिका तो क्या ही कर सकते हैं। अक्षर पटेल ने साथ दिया था वॉशिंगटन सुंदर का थोड़े रास्ते, लेकिन फिर इनकी भी नैया ढेर हो गई, क्योंकि बैस्ट और रूट के अच्छे कॉम्बिनेशन के रनआउट के चलते इनको पवेलियन वापस जाना पड़ा। 97 गेंदों पर 43 रन बनाए और 5 चौके 1 छक्का लगाया था। ईशांत शर्मा 0 रन पर आउट, मोहम्मद सिराज 0 रन पर आउट 3 और 1 गेंद का सामना करते हुए। तो कुछ ऐसा रहा दोस्तों स्कोर कार्ड, जहां पर जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट, बैन स्टोक ने 4 विकेट, जैक लीच ने 2 विकेट, ऐसे विकेट लेते हुए टीम इंडिया की ऑल आउट कर दी है, लेकिन लीड है 160 रनों की। क्या इसको चेस कर पाएगी इंग्लैंड की टीम या उससे पहले हो जाएगी ढेर? अगर चेस कर भी लेती है तो उसके बाद टीम इंडिया के लिए कितने रन छोड़ेगी उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा दारमदार आने वाला है जो रूट पर, बैन स्टोक पर और साथ ही इनकी ओपनिंग बल्लेबाजी पर, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड की अगर पारी देखी जाए तो ढेर होती है कमर टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं वो ओपनर होते हैं, लेकिन ओपनिंग की तरफ से ही अभी तक कोई ऐसी पारी नहीं देखने को मिली जो इंग्लैंड की टीम को अच्छी शुरुआत दिला सके। भले ही मिडिल ऑर्डर में बैन स्टोक, जो रूट, ये सब कमाल करते हों, लेकिन शुरुआत चाहिए ही चाहिए जिसकी बदौलत ये बाकी बल्लेबाज भी अच्छा कर सके। जॉनी बेस्टो से भी दोस्तों उम्मीद है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहे इतना, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि कड़ा मुकाबला इनके बीच देखने को मिले जिसकी मदद से मैच काफ़ी एक्साइटेड बन जाए। ऐसे में दोस्तों 365 पर ऑल आउट हो गई 114.4 ओवर पर इंडिया की टीम और 4 रन से दूर रह गए हमारे युवा खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो सचमुच युवा खिलाड़ियों की बदौलत अब टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, जहां पर कोहली, रोहित शर्मा ये सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन पंत, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये कुछ ऐसे नाम हैं दोस्तों जो सचमुच कमाल कर रहे हैं, लेकिन अगले मुकाबले में अगली इनिंग में अब हम उम्मीद रखते हैं शुभमन गिल से भी, जब उनकी बल्लेबाजी का मौका है तो पंत, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत इन सबों की तरह ही बल्लेबाजी करके दिखाएं वो भी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।